आज के इस वीडियो में हम चल रहे हैं दिल्ली के एक ऐसे कोने में जहां देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। ऐसी जगह जहां की चार दीवारी कभी प्रधानमंत्री आवास के नाम से जानी जाती थी। ऐसी जगह जहां आयरन लेडी कहे जाने वाली और भारत की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मैं बात कर रहा हूं इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम की, जहां देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 में इंदिरा गांधी यहां रहने आई और इसी जगह 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यहां जाने के लिए मैं सबसे पहले लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन पहुंचा। वहां से पैदल ही गूगल मैप के सहारे पहुंच गया इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। यहां चेकिंग कराने के बाद म्यूजियम में एंट्री मिली। यहां अंदर में पानी की बोतल और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर वीडियोग्राफी की परमिशन मिल गई। अंदर में घुसते ही पौधों की कटिंग से वेलकम लिखा हुआ दिखा, जिसके साइड से पहले कमरे में एंट्री होती है, जहां की दीवारें इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन की घटनाओं की ओर ले जाती है। यहां की दीवारें इंदिरा गांधी के जीवन काल में छपी अखबारों की कटिंग से सजी हुई है। हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में छपे अखबारों की कटिंग आपको इंदिरा गांधी के टाइम में ले जाते हैं, जिसे थोड़ा सा ध्यान से देखने पर उस समय में हो रहे सामाजिक उथल पुथल का एक दृश्य आंखों के सामने आने लगता है। साथ ही साथ बीच बीच में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए अलग अलग जगहों की फोटोज भी यहां देखने को मिलती है। सामने की दीवार पर दोनों और न्यूज कटिंग्स के बीच में बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान, भारत रत्न और भारत रत्न लेते हुए उनकी फोटो लगी हुई है। बगल में साड़ी, बैग और चप्पल रखी हुई दिखी। ये वही साड़ी है जो इंदिरा गांधी ने अपनी हत्या के दिन पहनी थी। यहां से आगे चलने पर उनके जीवन के अलग अलग फोटोज देखने को मिले, जैसे कि सन 1934 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साथ शांति निकेतन की फोटो। उनके और उनके परिवार की और भी कई फोटोज यहां देखने को मिली। यहां इंदिरा गांधी के द्वारा लिखी चिट्ठियां भी रखी हैं। अलग अलग देशों द्वारा मिले गिफ्ट भी यहां रखे गए हैं, जिसे देखकर इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते भारत की साख के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां से बाहर निकलकर अब एंट्री होती है दूसरे कमरे में, जो कि इंदिरा गांधी का स्टडी रूम था। ये इंदिरा गांधी की पसंदीदा जगहों में से एक जगह थी। यहां एक साइड की दीवार पर किताबों के बीच में टीवी रखा हुआ है। यही वो कमरा था जहां इंदिरा गांधी को बांग्लादेश के आजाद होने की खबर मिली थी। इसके बाद बेडरूम, पूजा रूम और ड्राइंग रूम देखने को मिला। यहां के बाद अब बारी थी वो जगह देखने की जहां इंदिरा गांधी आखिरी बार चली थी। यही वो जगह है जहां इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 को आखिरी बार चली थी, जिसे कुछ दूर तक क्रिस्टल से ढक दिया गया है और जहां अपने बॉडीगार्ड की गोली लगने के बाद गिरी, उस जगह को शीशे से ढांक दिया गया है। अगर आप इंदिरा गांधी को समझना, जानना और महसूस करना चाहते हैं तो आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम जरूर आना चाहिए। यहां आपको इंदिरा गांधी के जीवन को, उनके प्रधानमंत्री रहते कार्यकाल को और उनकी हत्या को एक साथ जानने का मौका मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो चैनल मन घुमक्कड़ को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।